तो क्या हाल है आप सबके। आज मैं बात करने वाला उस स्कूल के बारे में जो अपने आप को दुनिया का नंबर वन स्कूल समझता है, लेकिन नेशनल तो छोड़ो डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 के लिस्ट के लंड में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने आप को दुनिया सबसे बड़ा स्कूल मानता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दुनिया सबसे बड़ा गांडू स्कूल है। अगर इनकी स्कूल की वेबसाइट पे जाओगे तो भोजड़े का ऐसा लगेगा कि नंबर वन ही स्कूल है पूरा। लेकिन स्कूल के अंदर जाने पर तुम उसका वॉकिंग पाथ देख लोगे तो झोपड़ी वाले स्कूल और प्राइवेट स्कूल में तुम्हें अंतर नहीं दिखेगा। वीडियो गायन जगह जगह पर हक रखा है। दो बार तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि भोजड़ी का कौन से झोपड़ी वाले स्कूल में मैं आ गया। मतलब हाइजीन नाम की भी चीज होती है, लेकिन तुम तो साले उसी का गाड़ मार लिए हो पूरा। मतलब हाइजीन जाए मात चुदा है, हम तो यहाँ भाई स्कूल को प्रमोट करेंगे। मैं बता रहा हूँ स्कूल खत्म होने के बाद ये लोग दूध बेचने का काम करते हैं, ये लोग पक्का साइड बिजनेस चलता है ये लोग का। भाई तुम खुद देखोगे तो तुम्हारे चल नहीं पाओगे भाई, ऐसी इस तरह स्थिति है वहाँ पे। तुम खुद सोचो जिस स्कूल में तुम जा रहे हो उस जगह पे जगह जगह पे गाय ने हग रखा है, तुम क्या सोचोगे तुम प्राइवेट स्कूल जा रहे हो या झोपड़ी वाले स्कूल जा रहे हो। और उनकी बस की बात किया जाए तो जब से इनका स्कूल बना है, जहाँ तक मेरे को याद है ये स्कूल 1989 में बना था, और तब से लेकर अभी तक वही सेम बस ये लोग यूज कर रहे हैं। आज तक बस चेंज नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ ये बस कभी गोल्डन जुबली हो गया होगा, लेकिन ये लोग बस नहीं चेंज करने वाले। क्यों भाई, पैसा बचाना है, जेब बचाना चाहिए। मतलब बच्चा का सेफ्टी चाहे गाड़ मरा है, हम तो भाई आप पैसा कमाएंगे, पैसा में जेब भरना है। भोजड़ी के जेब भरते वजह जमीन में धस जाओ, उसके बाद लंड खातिर कोई बचाने नहीं आएगा। जहर है के प्यार है तेरा चुम्मा। अब जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, ये पूरा स्कूल बेटी चुत फैमिली बिजनेस पे चल रहा है। आओ मैं इन फैमिली से मिलाता हूँ। सबसे पहले इनसे मिलो, ये है करुणा जो कि है यहाँ की प्रिंसिपल। फिर आते हैं भड़वा डैनियल जो कि है यहाँ के लंड डायरेक्टर, और ये है करुणा का लंड पति परमेश्वर। फिर आते हैं रीता प्रसाद जो कि थी यहाँ की एक्स प्रिंसिपल, और मजे की बात तो ये है ये इनकी माता श्री थी। मतलब देख लो पूरा का पूरा स्कूल भोसड़ी का फैमिली बिजनेस पे चल रहा है। मतलब साला यहाँ भी नेपोटिज्म, हर जगह नेपोटिज्म, हर साल नेपोटिज्म का लंड घुसा के रखा है लोग। साला नेपोटिज्म नेपोटिज्म, मर जाए बहन जो नेपोटिज्म बना लगा लगा के। भोसड़ी का स्कूल है कि बॉलीवुड समझ में नहीं आता मेरे को। अगर इनके स्कूल वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ ये बताया गया है कि पेंटिकोस्टल एक नॉर्मल स्टूडेंट को बेस्ट प्लेयर में ट्रेन करता है। जी लंड में रहा, नेशनल तो छोड़ो भोसड़ी क्लस्टर खेलने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये भी जानते हैं इनका स्कूल लंड है। और अगर गलती से भी इनकी गांड में दम आ जाए अपना प्लेयर बाहर भेजने का, तो ऑर्गेनाइजेशन इनकी एप्लीकेशन वहीं फाड़ के इनकी गांड में डाल देता है और लात मारता है वो अलग। क्योंकि इनके स्कूल में कोई अच्छा स्पोर्ट्स टीचर है ही नहीं, और अगर है भी तो अचीवमेंट तो छोड़ो, भोसड़ी का स्पोर्ट्स के नाम पे बस खाली एक टायर घुमाया वो बचपन में और कंचे खेले होंगे, उसके अलावा इन्होंने लंड कुछ किया होगा अपने लाइफ में। इन्हें बस स्पोर्ट्स के नाम पे सुबह सुबह दौड़ाने आता है और मॉर्निंग एक्सरसाइज करने आता है, जो कि हर पार्क में एक बूढ़ा आदमी करता है जो अगर ने देखा होगा। इसीलिए सालों से ये लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का लौड़ा हिला रहे हैं और अब तक कुछ छाट नहीं उखाड़ पाए, और उसमें भी वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो पिछले साल विनर रहे या फिर पार्टिसिपेट किए थे। और जो नए बच्चे हैं उन्हें खेलना तो छोड़ो, भोसड़ी के देखने तक ही नौबत नहीं मिलती है लोगों को। अगर कोई स्टूडेंट बाहर से ट्रेनिंग लेके बाहर किसी नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे कुछ अचीवमेंट ले भी आए तो ये स्कूल तुरंत उस पर टूट पड़ जाते हैं, चाहे उस स्टूडेंट के अचीवमेंट में इनका झाड़ भर भी योगदान ना रहा हो। लेकिन फोटो तो ऐसे खींचाएंगे जैसे उस स्टूडेंट ने नहीं बल्कि स्कूल ने ही अचीवमेंट लाया है। जरा इस फोटो को देखो, ये वो स्टूडेंट जो जेई में इतना अच्छा परसेंटेज लाया है जो कि हमें प्राउड होना चाहिए, लेकिन जिसने ये अचीवमेंट लाया बेटी चोद उसी को साइड करके प्रिंसिपल खुद बीच में आके फोटो खिंचवा रही है। भोसड़े के मतलब स्टूडेंट जाए गाड़ मरा है, लेकिन बीच में तो हम रहेंगे क्योंकि बीच में हम आने चाहिए। हाँ, जैसे भोसड़े के तूने ही मेंस निकाला है ना, और स्टूडेंट तो बस वहां उतने गया था। ये बताओ कि बेटी चोद म्यूजिक टीचर क्या कर रहा है इसमें, ये यहाँ पे लंड खातिर खड़ा है, इसका कौन सा योगदान रहा भाई इसमें, गाने सुन के कब से मेंस निकलने लगे। मतलब भोसड़े के फ्री का फोटोज लेना ही चूती है वो। सबसे पहले तो इनका समर कैंप, इससे भेरन चूतिया चीज मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि वहाँ जाने के लिए भी बेटी चूत नेपोटिज्म चलता है। अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो और अगर फॉर्म भरने गए तो भोसड़े के डैनियल तुमको लात मार के वहाँ से भगाएगा, बट अगर तुम वही गार्ड कर रोज उससे मरवाते रहोगे और डैनियल का हवस पूरा करते रहोगे तो डैनियल तुम्हारा मुंह मिलेगा, तुम्हारा एडमिशन कराया कैंपस में। अब आते हैं इनकी डांस पर। तो जिन लोगों ने अपना गाना स्कूल में घिस रखा है वो ये बात जानते होंगे कि ये स्कूल जिंदगी भर से इंडियन क्लासिकल डांस के अलावा किसी और डांस का लौड़ा अपने मुंह में ले नहीं रहा है। इनका लंड इंडियन क्लासिकल के गाने में अटक गया है और बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। इनसे जब पूछा जाता है कि आप हिप हॉप को या फिर कोई भी वेस्टर्न क्लासिकल डांस को अपने स्कूल में क्यों नहीं परफॉर्मेंस करने देते, तो इनका साफ जवाब होता है कि वी ओनली प्रमोट इंडियन कल्चर। तो करुणा बहन जी एक बात बताइए,
अगर इतना ही इंडियन कल्चर का कीड़ा आपके कान में घुसा हुआ बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर टॉक इन इंग्लिश का नारा क्यों मुझसे हकते रहते हो? इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कल्चर में आता है क्या? ये क्या बोल रहे हैं, कुछ होश नहीं रहता, बस जो मुंह में है लंड समझ के अब ब्लो जॉब देने लग जाते हैं। बेटी जो हिपोक्रेसी की सीमा होती है, लेकिन तुम तो साले उसी पर हग रहे हो। अब जब से कोरोना ने हमारी गांड मारी है, तब से सबका दिमाग खराब हो रखा है इस लॉकडाउन के कारण। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऑनलाइन फंक्शन रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए जूम मीटिंग पर। देखिए ये अच्छी बात है, आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि वो लोग इंटरटेन होते रहे, अच्छी बात है। लेकिन भोसड़ी के इंटरटेनमेंट कराने में और चुतियाप्पा कराने में बहुत डिफरेंस होता है। बताओ बहन, जो ऑनलाइन पिकनिक बना रहे हैं लोग, दूसरे लोग सस्ता नशा को फूकते हैं, लेकिन ये लोग सस्ता नशा को ही गांड में घुसा लेते हैं। अब इतना विचित्र सुशील संभोग कार्य करने के बाद तो भाई होश तो रहेगा नहीं, उसके बाद तो ऐसे ही विचित्र लंड ख्याल आएंगे। और देखो तो भोसड़ी के लोगों ने लिखा क्या है, इन द ऑनलाइन पिकनिक ऑल द गर्ल्स नीड्स टू वेयर द साड़ी एंड मेक झालमुड़ी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब ये कौन सा चुतियाप्पा है कि लड़की लोग को साड़ी पहन के झालमुड़ी बनाना कैमरा के सामने? क्यों नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते क्या? साड़ी ही क्यों पहनना है? मैं बता रहा हूँ, पक्का साला डैनियल का ही काम है। बीड़ी चुत एक नंबर का ठरकी है। भोसड़ी के ऑनलाइन पिकनिक के बहाने लड़कियों को साड़ी में देख के अपना ठरक पूरा करना है इसको। ठरकी माधक चोर डेनियल सिंप बेटी चोर। खैर अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसको सीरियसली ना ले। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। हैव अ नाइस डे, बाय।